एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपके साथ पेड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने मिल्क पाउडर से बर्फी बनाया था, आज मैं आप सबके साथ मिल्क पाउडर से पेड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में हम ऐड करेंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच देसी घी। घी को हम मेल्ट होने देंगे और सेम वही प्रोसेस है जिससे मैंने बर्फी बनाया था। बस अंतर इतना है कि आज मैं आप सबके साथ पेड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ देख सकते हैं घी मेल्ट हो चुका है अच्छे से, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मैं यहाँ पे बड़ा कप से आधा कप मिल्क यूज़ कर रही हूँ। सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने बर्फी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो घी में मैंने बड़ा कप से आधा कप जैसा मिल्क यूज़ किया है और यहाँ पे 2 कटोरी में मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो बर्फी या फिर पेड़ा बनाने के लिए। तो अब तक देखा आपने, मैंने बड़ा कप से आधा कप मिल्क यूज़ किया है और 2 कटोरी मिल्क पाउडर यूज़ किया है। हम इसे अब अच्छे से स्टर कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। मैंने इलायची को क्रश कर लिया था घर पे। आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे शुगर ऐड करूँ। शुगर की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर वैसे भी मीठा होता है, लेकिन आप चाहो तो और 1-2 चम्मच यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। शुगर और इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी ना हो जाए। बस इसमें और कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। मैं इन्हीं 3-4 चीज़ों का यूज़ करके पेड़ा बनाऊंगी घर पे। बर्फी भी मैंने ऐसे ही बनाया था। तो यहाँ देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है अच्छे से, फिर भी मुझे थोड़ा इसे और ड्राई करना है। ये थोड़ा और ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बैटर हमारा रेडी है पेड़ा बनाने के लिए। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पेड़ा बनाएंगे। गरम गरम में हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसे एक प्लेट या फिर बोल में निकाल के हम आधा घंटा के लिए ठंडा होने देंगे। इसे आधा घंटा इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। अब ये छूने लायक हो चुका है, अब मैं इससे पेड़ा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आमंड्स लिया है और टूथपिक भी लिया है, इसका यूज़ आपको आगे पता चलेगा। और मैंने हाथ को ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा घी भी लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम आटा मिलाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ वीडियो में देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं हाथ को थोड़ा सा घी से ग्रीस करूंगी और छोटा छोटा लोई निकालूंगी, जैसे हम पूड़ी बनाने के लिए लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और इसे इस तरह से राउंड शेप में हमें घुमाना है। और ये मैं अपने अंगूठे की हेल्प से इसे हल्का सा प्रेस करके दबा देती हूँ और उसमें मैं डालूंगी ये आमंड्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। चाहो तो काजू यूज कर सकते हो, पिस्ता यूज कर सकते हो, किशमिश यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आमंड यूज कर रही हूँ और टूथपिक की हेल्प से मैं इस पे खूबसूरत सा डिजाइन बनाऊंगी। आप चाहो तो ऐसे प्लेन भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसे एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन दिया है। एक और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, बीच में मैंने आमंड चिपका दिया और टूथपिक की हेल्प से मैं इस पे एक डिजाइन बना दूंगी जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो और चाहो तो प्लेन भी रख सकते हो। और इसी तरह से मैंने लगभग सारा पेड़ा तैयार कर लिया है। ये लास्ट है तो देख सकते हो टूथपिक की हेल्प से मैंने कितना सुंदर डिजाइन दिया है इसे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ये देख के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसे घर पे बनाया गया है। आप लोग भी इस तरह से किसी भी फेस्टिवल में 3-4 चीजों का यूज करके इतना डिलीशियस और इतना सुंदर पेड़ा घर पे ही बना सकते हो। रही बात इसकी टेस्ट की, तो ये जितना ये देखने में बेस्ट लग रहा है, टेस्ट भी उतना ही बेस्ट है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है 1-2 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 2 घंटे हो चुके हैं, चलते हैं अब देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ये मैंने निकाल लिया पेड़ा, देख के तो ये लग रहा है कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। फिर भी मैं आपको एक बार नजदीक से दिखाती हूँ क्या कंडीशन है।
यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है और ये बिल्कुल अच्छे से अब सेट हो चुका है। दिखने में भी बेस्ट और टेस्ट में भी बेस्ट है ये, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। 3-4 चीज का यूज करके आप इतना परफेक्ट पेड़ा घर पे बना सकते हो। आप लोग भी ट्राई करना और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।